नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, आजकल डॉलर और रुपए की कीमतों में इतना बदलाव नहीं हो रहा है जितना SBI के नियमों में हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दे रहा होगा जो आपके मोबाइल पर आ चुका होगा इस समय, या दोस्तों नहीं आया तो SBI की तरफ से कुछ एक या दो दिन में आ जाएगा। दोस्तों, SBI ने अब ATM कार्ड से डेली कैश निकालने की लिमिट भी घटा दिया, यानी जितना पहले निकाल सकते थे उसका आधा कर दिया गया है। आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे ये लिमिट अब कितनी कर दी गई है और कौन कौन से कार्ड पर ये लिमिट घटाई गई है, उसके लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, इस नए नियम के बारे में आपने काफ़ी न्यूज़पेपर में तो पढ़ लिया होगा, परंतु SBI ने अब SMS के द्वारा अपने ग्राहकों को यह जानकारी देना शुरू कर दिया है। इस SMS में उन्होंने बताया है, डियर कस्टमर, डेली कैश विड्रॉल लिमिट फॉर क्लासिक एंड मास्टर कार्ड विल बी रिसीव्ड फ्रॉम 40,000 to 20,000 पर डे। दोस्तों, पहले हम ATM कार्ड के द्वारा 40,000 एक दिन में निकाल सकते थे, जिसे अब SBI ने घटाकर 20,000 कर दिया है, यानी हम एक दिन में सिर्फ 20,000 अब निकाल पाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह एक बार कार्ड के इस्तेमाल करने का ट्रांजेक्शन दिया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। आप कितने भी ट्रांजेक्शन करें, उन्हें टोटल मिलाकर आप 20,000 से ज़्यादा एक दिन में अब नहीं निकाल पाएंगे। इसमें दोस्तों एक डेट भी दी गई है, जिसमें बताया गया है 31 अक्टूबर 2018, यानी कि 31 अक्टूबर तक तो हम 40,000 निकाल पाएंगे, यानी कि 1 नवंबर के बाद यह नियम शुरू हो जाएगा। उसके बाद से 20,000 आगे हम निकाल पाएंगे। आगे हम बताते हैं कौन कौन से कार्डों पर यह लिमिट सेट की गई है। दोस्तों, SBI ने यह लिमिट अपने सभी डोमेस्टिक कार्डों पर सेट कर दी है, जैसे SBI का वीजा कार्ड हुआ, SBI का जो मास्टर कार्ड है और SBI का जो रुपए डेबिट कार्ड है, सभी डोमेस्टिक कार्डों पर यह लिमिट सेट अब कर दी गई है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि 40,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन आप एक दिन में कर पाएं, उसके लिए आपको SBI के सिल्वर और गोल्ड इंटरनेशनल कार्डों का इस्तेमाल अब करना होगा। इसे दोस्तों इश्यू कराने के लिए काफ़ी चार्जेस देने होते हैं। दोस्तों, SBI का कहना है कि यह लिमिट इन्होंने इसलिए सेट की गई है ताकि धांधलेबाजी में कमी हो पाए। दोस्तों, हम तो नहीं जानते कि इस नियम के द्वारा कैसे धांधलेबाजी में कमी आ सकती है। अगर आप जानते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने एक नियम बनाया था कि अब कोई किसी के खाते में पैसे जमा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हमारे हिसाब से तो ये सभी नियम ग्राहकों के लिए काफ़ी लाभकारी होने वाले नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई भी लाभ इनमें नजर आता है या कोई भी बेनिफिट नजर आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।